हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉय व्यू। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉय लेके आया हूँ जो एक डेकोरेटिव पीस होने वाला है और देखते ही आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं वो टॉय क्या है और वो डेकोरेटिव पीस क्या है और कैसे वो वर्किंग करता है। तो जी हाँ, ये है वो टॉय, यानी कि एक डेकोरेटिव पीस आपके सामने दिख ही रहा होगा। कुछ इसकी यहाँ पे एक पिक्चर भी शो हो रही है जो एक लैम्प, एलईडी लैम्प जैसा कुछ इधर दिख रहा है एंड पेन स्टैंड भी। चलिए देखिए वो हमें खोल के भी पता लग ही जाएगा क्या इसमें कुछ इस टाइप के कलर्स अवेलेबल होंगे। एंड ये बॉक्स के अंदर और फिलहाल हाँ देखिए यहाँ पे भी एक इसके फंक्शनिंग शो कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए होगा एक कटर। तो गाइस, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स ओपन हो गया। ये इसके अंदर से ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। अभी हमें इसको बाद में रिवील करते हैं, पहले और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। एक इसकी चार्जिंग केबल है एंड ये इसका कुछ गाइड है। गाइड हमारी लैंग्वेज का नहीं है तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको साइड पर रखते हैं। चलिए बॉक्स को मैं साइड पर रख देता हूँ। ये है जी चार्जिंग केबल। अब चलिए इसको करते हैं हम ओपन। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है आपके सामने। थोड़ा सा इसको सेटअप कर देते हैं। ये आसानी से निकलता है, बहुत बढ़िया सी ये केबल है और फ्लेक्सिबल है। इसको जैसे मर्जी शेप का करना चाहो आप कर सकते हैं, देखिए। सो गाइस ये है। चलिए अब जरा इसके देखते हैं फंक्शनिंग के बारे में और देखते हैं इसकी लाइटिंग वगैरह कैसे होने वाली है। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूं तो बहुत ज्यादा ही फिनिश मटेरियल इधर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिल रहा है एंड ये जो इसके हॉर्न्स नजर आ रहे हैं ये सिलिकॉन मटेरियल के हैं, तो खराब होने के तो चांसेस ही नहीं है। तरीके से जो इसकी इन्होंने यहाँ पे ओवरऑल लुक भी दे रखी है, वो ओवरऑल लुक भी एक कैमरे की तरह ही दिखाई दे रही है। तो यानी डेकोरेटिव पीस तो बहुत बढ़िया सा देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। मैं दिखाना चाहूंगा इसके बैक साइड पे ये इसका स्विच दिया हुआ है और ये चार्जिंग पोर्ट दिखाया हुआ है और इसी से आप आसानी से कर पाएंगे और पूरी तरह चार्जेबल है ये, कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। ये इसका कुछ स्टैंड है, जैसे मैं आपको कटर डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये इसके पेन वगैरह आप डाल सकते हैं। चलिए तो चलिए अब इसके कुछ हिडन फीचर्स हैं वो जरा देखते हैं। हिडन फीचर देखो, सबसे पहले तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर एक लैंप है। इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखिए गाइस कितनी ही ज्यादा रोशनी है। ये देखिए अगर मैं अपने हाथ पे करके दिखा रहा हूँ तो आपको ये दिख ही रहा होगा कितनी बढ़िया सी रोशनी हो रही है इसमें अंदर। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया मजादार फीलिंग आ रही है और जो लाइट है वो भी इस तरीके की लाइट है कि आपकी आंखों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाए। अब एक चीज इसमें देखते हैं हिडन में क्या है। अगर मैं इस ये देखिए पहले मैंने स्विच को बिल्कुल टॉप पे ऊपर तक लेके गया हूँ। अगर मैं इस स्विच को एक स्टेप नीचे लेके आता हूँ तो देखिए लाइट तो बंद होगी लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको। अब भला ये क्या चीज है? ये जी हाँ, ये शॉर्पनर है। यहाँ पे इनबिल्ट शॉर्पनर भी दिया जा रहा है जिसमें डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ से सामने से पेंसिल को डाला जाएगा एंड रोल किया जाएगा जिससे क्या होगा शॉर्पनर, मतलब पेंसिल पूरी तरह शॉर्प हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ इसमें क्या है कि इसका डस्ट कलेक्टर भी ये खुद ही है। देखिए इसको हल्का सा रोटेट करते हैं तो ये बाहर आ जाता है, यहाँ पर इसकी डस्ट कलेक्शन होगी। और ये देखिए जी लाइट इसमें, और ये लाइट भी सिंगल लाइट नहीं है, ये मल्टी कलर लाइट है। सो गाइस मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट को तो बहुत बड़ा ही थम्स अप है। तो गाइस अगर हम इस एरिया में अंधेरा कर दे तो इसकी लाइट की हमें स्ट्रेंथ भी पता लगेगी। जरा एक बार लाइट बंद करते हैं, ये देखिए गाइस कितनी ज्यादा लाइट है। तो यानी अगर बच्चे अंधेरे में भी पढ़ना चाहे तो इस लाइट के जरिए वो आसानी से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ये किसी भी डी टेबल पे इसको रखा जाए तो ये उसकी शोभा भी साथ साथ बढ़ाएगा, यानी कि उसमें एक डेकोरेटिव पीस भी शो करेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं इसके एक छोटे से सिनेमेटिक शॉट एंड देन मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।